रंग के साथ शादी के सपने देखना छोड़ देगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। खतरे में है धर्म जी की नई साथिया, जिसके साथ धर्म जी की शादी हो रही थी। जिस शादी में भवानी के पति की मौत हुई थी, उस लड़की को भवानी ने चढ़ा दिया है सूली पर और खुद उसे डरा धमका कर मजे ले रही है, खुश हो रही है, क्योंकि वो यही तो चाहती है कि ये लड़की उसके रास्ते से हट जाए और धर्म जी फिर से कवारे बन जाएं, तभी तो उसका चांस लगेगा। धर्म जी पर लट्टू जो है ये भवानी, तभी तो इस लड़की को डरा धमका रही है, उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया है। दिव्या के खिलाफ बहुत ही खतरनाक चाल चली है इस बार। मैं उसको ऐसे महसूस कराती हूँ कि शायद मैं उसको फांसी लटका कर मारना चाहती हूँ, तो पूरा सब सेटअप करके मैं बैठी हूँ, उसका इंतज़ार कर रही हूँ। जब वो होश में आए तो उसे पता चले कि वो खुद फांसी पर लटकी हुई है एंड वो कभी भी मर सकती है। सो एक्चुअली मैं सिर्फ डराने के लिए उसको ये कर रही हूँ, मैं एक्चुअली उसको मारती नहीं हूँ, लेकिन इतना डराती हूँ ताकि वो घर से भाग जाए कि ये औरत कभी भी मुझे मार सकती है। वैसे यहाँ गोपी के बेटे रमाकांत की भी प्रेम कहानी चल रही है। रमाकांत के दरवाजे पर किसी ने जलेबी रख दी है और रमाकांत आश्चर्य में है कि आखिर ये जलेबी उसके लिए कौन लेकर आया। वो कहाँ जानता है कि चुपके से ये काम सीता ने किया है। गोपी के लाडला चौल में पड़े, उन्हें घर से निकाल दिया गया है और एक्चुअली चौल से पहले वो गटर में पड़े, तो गटर में मैं गिर गया हूँ नशे की हालत में और सीता आती है, वो मुझे रेस्क्यू करती है, वहाँ से बचाती है और वो मुझे चौल में लेके आती है, जो कि यहाँ पे इतनी गर्मी है, यहाँ पे मैं सो रहा हूँ, लेटा पड़ा हूँ और सुबह उठता हूँ, सीता मेरे लिए खाना लेके आ रही है। लेकिन लिटरली अब मैं क्या बताऊँ, जो भी मैंने अपनी तरफ से किया, ट्राई किया, कोशिश किया मैं सिंगापुर वापस चले जाऊँ, बट घूम फिर के सब कुछ मेरे ऊपर ही आ रहा है, मैं गटर में भी मैं ही गिर रहा हूँ, उनका तो कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पे हर चीज़ मेरे साथ हो रही है। वैसे भवानी और गोपी की बेटी विद्या के बीच भी खूब ड्रामा होता है। भवानी विद्या को भी डराती है, धमकाती है, उसके साथ लड़ाई करती है, क्योंकि विद्या उसकी जासूसी जो करती है, तो ये भी भवानी को बिल्कुल पसंद नहीं। उसे तो यकीन है पूरा कि सबके पीछे भवानी ही है। बाद में जब ये छोड़कर चली जाती है तो वो मुझे आके चैलेंज भी करती है कि अगर इसके पीछे आपका हाथ हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। सो बट भवानी इज नॉट बॉदर्ड, शी इज लाइक कि तुझे जो करना है कर, एंड शी इज बेसिकली ये सब कर रही है वो धर्म के लिए, बिकॉज वो उसके पीछे पागल हो चुकी है। दूसरी ओर गोपी बहू जग्गी जी की चिंता में लगी है। जग्गी जी को कैसे अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, इस बात की चिंता सता रही है। कोकिला बेन उसे हिम्मत दे रही हैं, मगर चिंता इस बात की भी है कि जग्गी जी का मूड कैसे ठीक करें, क्योंकि कुछ नाराज हैं जग्गी। गोपी सहारा बनने की कोशिश करे तो उसे ठुकरा देते हैं जग्गी जी, तो गोपी बहू की चिंता तो बढ़ेगी ना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।